जनवरी में सर्दी के अगले पिछले रिकॉर्ड टूटने लगे। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई। पहाड़ों पर बर्फबारी ने नजारे हसीन बना दिए। चमन और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके जेरे आब आ गए हैं। कोजिक टॉप पर शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। पशियन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मौसम मजीद सुहाना हो गया है। बाघ, आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद हो गई हैं। लाहौर में सर्द हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश हुई है। मुल्क में हर रोज ठंड बढ़ने लगी। बलूचिस्तान में जमा देने वाली सर्दी से चश्मे जम गए। चमन, शीलाबाग, ख्वाजा इमरान और तूबा अचकजई में भी हर तरफ बर्फ की चांदी बिछ गई। मलका कोहिसार में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों ने मौसम से भरपूर लुत्फ उठाया, एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसा दिए। बाघ, आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में मौसलाधार बारिश, पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी, पहाड़ों का रंग रूप निखर गया। कराची में भी बूंदाबांदी के बाद तेज हवाओं ने दांत बजा दिए। पारा रात गए 12 डिग्री से नीचे आ गया। हैदराबाद में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। पंजाब में मौसम सरमा की बारिशों ने ठंड बढ़ा दी। पारा ज्यादातर इलाकों में सिंगल डिजिट तक सुकड़ गया। आज सबसे कम दर्जे हरारत अस्तूर, लेह, इस्कर्दू में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने सर्दी की लहर 25 जनवरी तक बरकरार रहने और 22 से 24 जनवरी तक कोल्ड वेव की पेशगोई की। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।